ये ले लीजिए, ठीक है। दुकान वाला बोल सकता है कि भाई 20 आपको ज़्यादा मिल रहा है तो बहुत बढ़िया है। तो प्राइस की जहाँ तक बात करें ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, यहीं पर ही सवाल आकर अटक जाता है यार, प्राइस तो ज़्यादा 1500-2000 रुपये का फ़र्क है, ये लें या वो लें, सीधी सी बात है। तो आपको मैं जल्दी से बता देता हूँ, ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़रूरत होती है ऑर्केस्ट्रा के। अब बात आती है भाई आखिर ये क्यों ना ले और ये क्यों ले और ये क्यों ना ले ये क्यों ले। यस यो 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 यो। उसके बाद 6 वॉट के 2 स्पीकर दिए गए, पावरफुल स्पीकर i500 के अंदर भी, E473 के अंदर, यानी आवाज़ जो है ना बहुत धमक भर के निकलती है। लेकिन अब जो मैं बातें बताने जा रहा हूँ जो ज़्यादा डिपेंड करेगा कि यार मैं i473 की और जाऊँ या i500 की और जाऊँ, ठीक है। i500 भी नहीं है, i473 भी नहीं है, ठीक है। वेलकम बैक टू वन मोर ब्लॉग ऑफ बीज इंडिया। तो आज का टाइटल आपको देखकर पता लग गया होगा, मैं एक बार आपके लिए लेकर आया अनटोल्ड कंपैरिजन यमहा i500 वर्स यमहा i473। और भारत का मात्र एक हमारा एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको अनटोल्ड कंपैरिजन मिलेगा, स्पेशली कीबोर्ड्स, नॉट ओनली कीबोर्ड्स, एम्पलीफायर कीबोर्ड्स, प्रोजेक्टर्स। हालांकि जिन्होंने E473 का जो पहली अनबॉक्सिंग देखा होगा उनको अच्छे से समझ आएगा, लेकिन अभी बहुत से मेरे पास एक सवाल आते हैं, सर 500 और 473 में से कौन सा लें। तो वो जल्दी से मैं एक्सप्लोर कर देता हूँ कि इन दोनों में आखिर कौन सा चुनने में ईजी रहेगा, क्योंकि आप जुड़ चुके हैं बीज इंडिया के साथ जहाँ पर आपको रिव्यू मिलता है और साथ साथ आपको ऑफर भी मिलता है। तो बिफोर स्टार्टिंग, वेलकम टू द बीज इंडिया, दैट मींस बिजनेस चैनल, नॉट ओनली बिजनेस, द कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर दी बिजी पीपल एज लाइक यू। तो ये मैं ऐसी सीन दे रहा था, ऐसी मैंने थोड़ा चमका दिया बजा के। चलो अब चलते हैं सीधा स्क्रीन पे। तो सबसे पहले i500 और E473 इन दोनों में से किसे लिया जाए। जब आप दुकान में जाते हैं तो दुकान वाले आपको ठीक से बताएंगे नहीं, आपका बजट देखेंगे और जो भी सामान अच्छा लगा जो भी उनको ठीक लगता है वो चेप देंगे। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है। देखिए एक होता आई सीरीज और एक होता ई सीरीज। आई सीरीज का मतलब होता है इंडियन कैटेगरीज और ई सीरीज का मतलब होता है वेस्टर्न कैटेगरी। सबसे पहले इस चीज को दिमाग में रख लीजिए, यमा के कीबोर्ड जब भी आप लेने चाहें एक होता है आई सीरीज और एक होता है ई सीरीज। आई सीरीज भारतीय ताल व स्वर, इंडियन रिदम्स एंड वॉइस से भरपूर मिलेगा आपको आई सीरीज। ई सीरीज में आपको इंडियन ताल, ढोलक, हारमोनियम ये सब नहीं मिलेंगे। तो इन दोनों में बहुत मुकाबला आपको टाइटल से समझ आना चाहिए, फिर भी मैं आपको लोगों को जल्दी से क्लियर कर देता हूँ। तो जल्दी स्टार्ट करते हैं। यह देखिए सबसे पहले इनकी प्राइस की अगर हम कंपेरिजन करें तो आपको ये मिलता है 24,990 रुपये का i500, ठीक है, इसकी MRP है। और इसका सेलिंग प्राइस है मार्केट में 21,000-22,000-20,500 के आसपास, हमारा ऑफर प्राइस आप जाकर देख लीजिएगा। और अगर हम 473 की बात करें तो इसकी MRP आपको मिल जाती है 19,990 रुपये, यानी 20,000 रुपये, और मार्केट में ये आपको मिल जाएगा 18,000-19,000-18,200 इस तरीके रेंज में मार्केट में मिल रहा है, हमारा ऑफर प्राइस आप जाकर देख लीजिए। तो प्राइस की जहाँ तक बात करें ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, यहीं पर ही सवाल आकर अटक जाता है यार, प्राइस तो ज़्यादा 1500-2000 रुपये का फ़र्क है, ये लें या वो लें, सीधी सी बात है। तो आपको मैं जल्दी से बता देता हूँ इसमें पहले कॉमन चीज़ क्या क्या है, यानी एक समान क्या क्या चीज़ें हैं। मतलब सीधी से आंख बंद करके चाहे आप 20,000 लगाओ चाहे आप 19,000 लगाओ, इन दोनों में सब चीज़ें सेम है। वो क्या क्या चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। दोनों कीबोर्ड 61 लार्ज कीज के साथ मिल जाते हैं, यानी जो कीज होते हैं दोनों में 61 लार्ज कीज हैं, ठीक है। और दोनों का वेट की बात करें, अगर कीबोर्ड की बात करें तो 6.6 केजी 7 केजी के आसपास आता है, यानी दोनों का वेट बिल्कुल एक समान है, तो कोई कंप्रोमाइजिंग नहीं कह रही है, ज़्यादा भारी है ये स्लो है, ठीक है। उसके बाद आता है पिच बैंड, इसे कहते हैं पिच बैंड। देखिए इसलिए मैंने ये डमी कीबोर्ड हाथ में, डमी नहीं सॉरी कीबोर्ड नारा जाएगा, इसे मीडी कीबोर्ड कहते हैं, सिंथेसाइजर्स कहते हैं, ठीक है। मैंने हालांकि मैं भी प्रोजेक्ट कर रहा था तो इसलिए मैंने रखा, इसको कहते हैं पिच बैंड,
तो पिच बेंड दोनों कीबोर्ड में आपको मिलेगा, इसे छोड़ दीजिए ठीक है, इसको अभी मत देखिए इतनी कंफ्यूज जाएंगी। तो ऐसा एक पिच बेंड मिलेगा, व्हील बैंड दोनों कीबोर्ड में आपको सेम का सेम मिल जाएगा। उसके बाद आपको तो डीएसपी इफेक्ट, डिजिटल पॉलीफोनिक इफेक्ट्स होते हैं टोन्स में और रिदम्स में, वो डिजिटल इफेक्ट्स होते हैं, जैसे फ्ल्यूट हो गए कुछ ऐसे हों जिसको आप बजाएंगे तो ऐसा लगे जैसे कि इको मोड आ रहा है, उसको डीएसपी इफेक्ट कहते हैं। दोनों कीबोर्ड के अंदर सेम है ठीक है, बात हो रही है i500 और e473 दोनों कीबोर्ड में सेम है। सारी चीज़ें मैं सेम वाली बात बता रहा हूँ, आप दिमाग में बात डाल लीजिए। और मैं आपसे विनती करता हूँ कि सिर्फ इसके बेस में निर्णय मत लीजिएगा, आप हमारे डीप रिव्यू देख लीजिएगा। हमारे चैनल में तीन वर्जन आते हैं, सबसे पहला वर्जन आता है अनबॉक्सिंग ऑफर, उसके बाद आता है डीप रिव्यू, उस कीबोर्ड के अंदर काफ़ी कुछ हम निकाल के बता देते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसी में बताते हैं। उसके बाद आता है अनटोल्ड कंपैरिजन, यानी उस रेट में कोई और ब्रांड हो उस रेट में कौन सा अच्छा है, चून के तीन चार ब्रांड के साथ या तीन चार मॉडल के साथ हम कंपेयर करते हैं, उसे कहते हैं अनटोल्ड कंपैरिजन, जो कि आप अभी देख रहे हैं ठीक है। तो आगे चलते हैं, डीएसपी इफेक्ट सेम है। उसके बाद कंट्रोल नोब्स, इस तरीके से कंट्रोल नोब्स होते हैं, देखिए ये देखिए इसको कहते हैं कंट्रोल नोब्स, इस तरीके से उसमें दो नोब्स i500 के अंदर भी मिल जाते हैं, e473 के अंदर भी मिल जाते हैं। हालांकि e473 के अंदर नोब्स में एक दो ऑप्शन एक्स्ट्रा हैं, बात समझ लीजिएगा, एक दो ऑप्शन, हमारे वीडियो पूरा देख लीजिएगा आपको ज़्यादा समझ आएगा ठीक है। चलते हैं जल्द, लेकिन ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, स्किप करते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। उसके बाद यूएसबी ऑडियो इंटरफेस, आप यूएसबी ऑडियो इंटरफेस इसके अंदर भी मिलता है, i500 के अंदर भी, 473 के अंदर भी मिलता है। मैं आपको जरा शॉर्ट में बताता हूँ यूएसबी इंटरफेस मतलब क्या होता है, यूएसबी कनेक्टिविटी, जैसे कि आप जैसे कुछ मिडी फाइल्स या कुछ भी यूएसबी कनेक्टिविटी के लिए ऑप्शन होता है, यूएसबी पोर्ट होता है, यहाँ पर नहीं होगा यूएसबी पोर्ट, इसमें यूएसबी होस्ट है, पेंडर लगाने का पोर्ट होता है ना यूएसबी पोर्ट, उसे कहते हैं। वो दोनों कीबोर्ड में सेम है, यानी साथ साथ आपको बताता हूँ जब इसकी बात कर रहा हूँ, दोनों कीबोर्ड में आप पेंडर लगा के, जब पेंडर की बात हो ही रही है तो पेंडर दिखा देता हूँ, क्योंकि हमसे पेंडर बहुत लोग खरीदते हैं, इसमें रिदम भर के हम देते हैं, ईमेल के जरिए भी देते हैं। तो इस तरीके पेन ड्राइव को आप दोनों कीबोर्ड के अंदर इंसर्ट करके यू कैन एक्सेस द एक्सटर्नल रिदम्स, इसके अंदर वॉइसेस और एक्सटर्नल रिदम्स होते हैं, बहुत ही स्पेशल होते हैं, बहुत ही एडवांस होते हैं। i500 के अंदर भी आप यूज़ कर सकते हैं और e473 के अंदर भी पेन ड्राइव चलाया जा सकता है, इसे कहते हैं यूएसबी इंटरफेस, छोड़ दीजिए। उसके बाद आता है यूएसबी होस्ट, इसे कहते हैं यूएसबी होस्ट, दिख रहा है ठीक है, ये बहुत काम की चीज होती है। इसके जरिए आप क्या कर सकते हैं, आपके कीबोर्ड को कंप्यूटर के साथ, लैपटॉप के साथ, यानी जो म्यूजिक सॉफ्टवेयर जो होते हैं जैसे स्टूडियो के पर्पस में आप यूज कर सकते हैं, दोनों कीबोर्ड को यूज किया जा सकता है, इसे कहते हैं यूएसबी होस्ट, दोनों कीबोर्ड के अंदर सेम है, समांतर है, मैं सारी चीज समांतर चीजें बता रहा हूं। उसके बाद आता है सस्टेन पैडल, ठीक है, इसमें है पैडल लगाने का ऑप्शन होता है, इस तरीके के पैडल लगाने का ऑप्शन होता है, सस्टेन पैडल, पैर से जब दबाते हैं तो साउंड्स में सस्टेंस क्रिएट किया जाता है, स्ट्रेच किया जाता है, बहुत अच्छी अच्छा होता है वो देखने सुनने में, काफ़ी अच्छा लगता है, जैसे लहरों की आवाज़ जैसा लगता है, बहुत ही मतलब मधुर लगती है आवाज़ उसमें। तो दोनों कीबोर्ड में सस्टेन पैडल लगाने का ऑप्शन दिया गया है, कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद एक्स इन करके एक ऑप्शन है, एक्स इन उसे कहते हैं, छोटा पिन होता है, बड़ा पिन नहीं, जैसे ये पिन है ये बड़ा पिन है, ये 6.5 mm TRS पिन है, एक होता है 3.5 mm, जैसे मोबाइल से आपको कोई गाना चलाना है और इसका आउटपुट कीबोर्ड के अंदर सुनना है प्रैक्टिस करने के लिए, तो उसे कहते हैं एक्स इन, चाहे आप लैपटॉप से अंदर आवाज डालें, मोबाइल से डालें, कहीं से भी डालें, उसे कहते हैं एक्स इन। वो आपके इस कीबोर्ड के अंदर यानी i500 के अंदर भी ऐसा ऑप्शन दिया गया है और i400 के अंदर भी सेम ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद आती है पावर सप्लाई की बात, बैटरी जो सपोर्ट किया जाता है, दोनों कीबोर्ड में बैटरी लगा सकते हैं, i500 भी बैटरी से चलता है, i400 भी बैटरी से चलता है, यानी कहीं भी आप पिकनिक विकनिक के लिए दोनों यूज़ कर सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए दोनों यूज़ कर सकते हैं। और दोनों के अंदर वोल्टेज जो है 12 वाट का अडाप्टर इसमें भी लगाया गया है, उसमें भी लगाया गया है, ये सब चीज़ें सेम हैं ठीक है। और दोनों बिगिनर्स कैटेगरी में आते हैं, सबसे बड़ा परेशानी वाली, आप दुकान में जाएंगे कहेंगे सर बिगिनर सीखने के लिए कीबोर्ड चाहिए, अच्छा खासा हो, अच्छा खासा चलने के मतलब लंबा चल जाए, इस तरीके से आप पूछेंगे तो दुकान वाला बोलेगा दोनों ही ये इसी कैटेगरी में आते हैं, दोनों ही प्रोफेशनल हैं और दोनों ही बिगिनर कैटेगरी में आ जाते हैं ठीक है। चलते हैं आगे, अब तक जो भी मैंने बातें आपको बताई ये सारी कॉमन थी और खास कुछ बातें लास्ट रह गई, जल्दी से मैं उसको बता देता हूँ। रजिस्ट्रेशन मेमोरी,
8 बैंक्स होते हैं, ये सब चीज़ें हमारे डीप रिव्यू में आप जाकर देख सकते हैं। आप यमा का i500 का डीप डिटेल काफ़ी सारे सीरीज बनाए गए, आप चाहे तो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, कई सारे ब्रांड्स के आप चाहे तो उसके देख सकते हैं। i473 के भी बनाए हुए हैं, बहुत सारे कीबोर्ड्स के बनाए हुए हैं, तो आपको ज़्यादा समझ आएगा अगर आपको यहाँ पर नहीं समझ आ रहा। तो मेमोरी बैंक दोनों में सेम है, 8 बैंक्स, ठीक है, 4 रजिस्ट्रेशन 4 रजिस्ट्रेशन। स्टाइल कंट्रोल अच्छे से देख लीजिए, बहुत काम कीजिए, दोनों कीबोर्ड में सेम है। उसके बाद आता है टच रिस्पॉन्स, यस ये भी बहुत काम की चीज़ है। टच रिस्पॉन्स, ये कीबोर्ड जैसे आप धीरे से दबाएंगे या तेज दबाएंगे, आप हमारे अनबॉक्सिंग देख लीजिए, बहुत मज़ा आ जाएगा, सब कुछ लगभग इसमें समझ आता है। दोनों कीबोर्ड में टच रिस्पॉन्स सेम है, जरा सा भी फर्क नहीं है, बिल्कुल एज इट इज सेम है, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल नोब्स, जो मैं ऑलरेडी बता सकता हूँ, कंट्रोल नोब्स इस तरीके से ऑप्शंस होते हैं, वो सेम है। उसके बाद 6 वॉट के 2 स्पीकर दिए गए, पावरफुल स्पीकर i500 के अंदर भी, e473 के अंदर, यानी आवाज़ जो है ना बहुत धमक भर के निकलती है। लेकिन कभी भी आप कीबोर्ड के अंदर आवाज़ को पूरा खोलें ना, हमेशा 70-75 क्लॉक में रखें, ज़्यादा आपको लंबा चलेगा कीबोर्ड का स्पीकर, नहीं तो 2-4 साल बाद फर करके आवाज़ करने लग जाएगा, तो पूरा ना खोलें, 100% नहीं। लेकिन दोनों में जबरदस्त आवाज़ मिलता है, 6 वॉट्स का एम्पली बूस्टर्ड स्पीकर दोनों कीबोर्ड के अंदर दिए गए। उसके बाद वेव फॉर्मेट, दोनों कीबोर्ड में वेव फॉर्मेट्स, MP3 सॉन्ग नहीं चलेगा, ध्यान रख लीजिए, MP3 सॉन्ग दोनों कीबोर्ड में नहीं चलेगा, लेकिन वेव्स के सॉन्ग्स दोनों कीबोर्ड में चल सकते हैं, रिकॉर्डिंग भी हो सकते हैं, इसको वेव फॉर्मेट प्लेबैक कहते हैं, रिकॉर्डिंग कहते हैं, दोनों कीबोर्ड में से। बाकी जल्दी लास्ट एंड फाइनल, यानी ये सभी समांतर ऑप्शन है, सेम ऑप्शन, कॉमन सिमिलैरिटीज क्या क्या है, ड्यूल ऑप्शन इसमें भी है, उसके बाद आपका स्प्लिट ऑप्शन दोनों इसमें भी है, टेम्पो बटन इसमें भी है, टेम्पो टैप, और साथ साथ डायल जो घुमा के, और कैटेगरी, ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़रूरत होती है ऑर्केस्ट्रा के। अब बात आती है भाई, आखिर ये क्यों ना ले और ये क्यों ले और ये क्यों ना ले ये क्यों ले, यस यो हो गया ना। तो जल्दी से मैं लास्ट इस बात को बताता हूँ, इससे पहले की ऊपर की बात है, तो आप जल्दी से, मैंने इसलिए बताया कि वो कॉमन चीज़ें, ज़्यादा आपको देख कर पता भी नहीं लगेगा, आप अंदर जाएंगे तो भी नहीं पता लगेगा। अब जो मैं बातें बताने जा रहा हूँ, जो ज़्यादा डिपेंड करेगा कि यार मैं i473 की और जाऊँ या i500 की और जाऊँ, ठीक है, i500 भी नहीं है, i473 भी नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला डिफरेंस आ जाता है वॉइस, ध्यान से सुन लीजिए मेरे फ्रेंड्स, 801 इंस्ट्रूमेंट्स मिल जाते हैं वॉइस, यानी स्वर, जैसे फ्लूट, हारमोनियम, इस तरीके से कई सारे होते हैं i500 के अंदर, और आपके 820 473 के अंदर। अब दुकान वाला कहेगा जी इसमें भी 820 हैं, इसमें भी 800 हैं, 20 तो ज़्यादा मिल रहे हैं आपको 473 में, ये ले लीजिए, ठीक है। दुकान वाला बोल सकता है कि भाई 20 आपको ज़्यादा मिल रहा है, तो बहुत बढ़िया है, समझ लीजिए आपको 820 तो मिल रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न मिल रहे हैं, यानी भारतीय स्वर एक भी नहीं मिलेंगे किसके अंदर, 473 के अंदर एक भी नहीं मिलेंगे, मुश्किल से एक या दो फ्री में ऐसी दिए गए हैं, ना के बराबर, ठीक है। लेकिन आपके i400 के अंदर, यस i400 के अंदर भर के दिया गया है इंडियन कलेक्शंस, यानी तकरीबन 40 इंस्ट्रूमेंट्स, तकरीबन 40 से 45 स्वर दिए गए हैं, हारमोनियम, फ्लूट, यस। अब मैं सबसे काम की चीज बता देता हूँ, जो दिमाग में बैठा लीजिएगा, नाद स्वरम ये किसी भी कीबोर्ड के अंदर नहीं है, चाहे इसके नीचे यमा का कोई भी मॉडल हो, और इसके साथ साथ केशियो का मॉडल हो, इसके साथ साथ रोलैंड का मॉडल हो, चाहे इसके साथ साथ कॉर का मॉडल हो, नादस्वरम इस रेंज में i500 के अंदर है मात्र, और कहीं भी नहीं है नादस्वरम। अगर मैं हो सके तो सुना दूं, साउथ का सबसे स्पेशली स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे शहनाई होती है, नादस्वरम आपको मात्र i500 के अंदर मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उसके बाद बढ़ते हैं स्टाइल की ओर। अब स्टाइल की अगर बात करते हैं, i500 के अंदर आपको मिलेगा 282 यानी 282, और e473 के अंदर मिलेगा आपको 290 यानी फिर ज़्यादा। दुकान वाला गया और 290 मिल रहा है, इसमें तो 282 है यानी 282 है, 290 मिल रहा है तो हम ज़्यादा है सर जी। फिर वही बात, i500 के अंदर आपको मिलता है 50 इंडियन ताल यानी इंडियन स्टाइल्स मिलते हैं, और 473 के अंदर कोई भी इंडियन, यानी ढोलक, तबला, तविल,
मृदंगम, बहुत से हैं जो इंडियन जो कला कल्चर जो होते हैं, ट्रेडिशनल्स होते हैं, अगर वो सब आपको चाहिए तो i500 के अंदर मौजूद है, आपका 473 के अंदर नहीं है। 2-3 तबले दिए गए हैं 473 के अंदर, उससे आप काम चला सकते हैं तो ठीक है, लेकिन आपको 50 मिल जाते हैं i500 के अंदर, ठीक है। तो ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा समझ लीजिए, वॉइस ज़्यादा हैं 473 के अंदर, स्टाइल ज़्यादा हैं, लेकिन भारतीय स्वर ताल नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। उसके बाद आपकी बारी आती है कुछ कॉन्फ़िगरेशन की, यानी फ्यूचर्स की। उसमें आपका 473 के अंदर आपको एक गजब की चीज मिल जाती है, हेडफोन लगा सकते हैं, ठीक है। यू कैन पुट हेडफोन इन दी E473, ठीक है। इस तरीके से हेडफोन लगा के आप यूज कर सकते हैं, और 500 के अंदर भी लगा सकते हैं, लेकिन E473 के अंदर डबल आउटपुट मिलता है, लेफ्ट राइट आउटपुट, जो बड़े बड़े कलाकारों के लिए स्टेज परफॉर्मेंस के लिए काफी काम की चीज होती है वो लेफ्ट राइट आउटपुट। लेकिन i500 के अंदर ऐसा आउटपुट नहीं मिलता, सिर्फ एक ही आउटपुट मिलता है, या तो आप स्टेज के लिए ले लीजिए या तो हेडफोन के लिए ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पर 473 बेस्ट कहलाता है, ठीक है। उसके बाद माइक ऑप्शन बहुत ही गजब का ऑप्शन होता है, आप मेरे वीडियो को देख लीजिए, लिंक में दे देता हूँ, हो सकता है लिंक में भी दे दूँ, या आप 473 का अलग से पूरा देख लीजिएगा। आप एक अलग से माइक का लीड लगा के वॉल्यूम कंट्रोल बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, और गजब का वॉइस मिलेगा, ऐसा लगेगा वोकल्स इफेक्ट के साथ आपको इनबिल्ट इको मिलता है, तो है बहुत ही अच्छा ऑप्शन। ऐसा ऑप्शन i500 के अंदर नहीं है, और ये लेटेस्ट मॉडल है 473, तो इसलिए इन्होंने ये बनाया, ठीक है। ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, i500 के अंदर ये ऑप्शन नहीं मिलता, 473 के अंदर माइक ऑप्शन अवेलेबल है। उसके बाद लास्ट एंड फाइनल लगभग गुरु क्रिएटर, यस गुरु हो जा शुरू, यस गुरु करके एक ऑप्शन है, जिस तरीके से मैंने अभी पैड रखा हुआ है, सिंथेसिस पैड्स, इस तरीके पैड्स जैसे यूज करते हैं, यहाँ से धमक होती है, यहाँ पर बेस होता है, और एक बहुत ही हलचल टाइप का म्यूजिक होता है, डीजे टाइप का वातावरण बन जाता है। ये ऑप्शन आपको गुरु क्रिएटर करके 473 के अंदर दिया गया है, और वेस्टर्न कैटेगरी के होते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं, मतलब मज़ा आ जाएगा, मतलब सुन के 25-30 के लगभग होते हैं, और ऐसा कोई भी ऑप्शन i500 के अंदर नहीं मिलेगा, ठीक है। हालांकि मैं आपको बता देता हूँ, इस ऑप्शन का कोई मतलब नहीं है, ऐसी मनोरंजन का कोई मनोरंजन के मतलब से गुरु दिया गया है, मेरे मुँह से खुद गुरु आ गया, गुरु दिया गया है, जैसे आप घर में पार्टी वार्टी कर रहे हैं तो मज़े ले सकते हैं, बाकी इसका कोई परफॉर्मेंस हमारा कोई मतलब नहीं है, तो इसकी ज़रूरत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। उसके बाद आती है बात, रियाज करके एक ऑप्शन है प्रैक्टिस करने के लिए, जैसे नए नए जो सुर ताल मिलाने वाले जो हमारे जो कैंडिडेट्स होते हैं, भैरवी राग या इस तरीके से कई राग हैं, उन जब आप सीखने की प्रयास करते हैं तो आपको कुछ तबला और इस तरीके से तानपुरा की आवाज़ की ज़रूरत होती है, इस तरीके रियाज के कुछ ऑप्शन दिए गए हैं i500 के अंदर, ठीक है, और 473 के अंदर ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं दिया। बाकी क्विक सैम्पलिंग कुछ मैंने ज़्यादा डीपली नहीं बताया, वैसे लगभग सब कुछ बता दिया, कुछ इस तरीके से क्विक सैम्पलिंग कुछ एक दो ऑप्शंस हैं जो दोनों कीबोर्ड के अंदर सेम ही सेम है। तो ये था आपका i500 और E473 का कंपैरिजन। दोनों कीबोर्ड अपने प्राइस के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं। अगर मैं अपनी तरफ से एक छोटा सा राय देता हूँ, अगर आपका बजट है तो सीधा i500 ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि आप अगर कीबोर्ड लेंगे तो कोई परफॉर्मेंस के मकसद से लेंगे, चर्च के लिए या कोई ऑर्केस्ट्रा के लिए या कुछ बैंड बाजा के लिए, तो उसमें i500 काफ़ी कुछ कमाल कर सकता है। जब 2000 रुपये ज़्यादा डाल रहे हो, इतना कुछ मिल रहा है, तो i500 ले लीजिए। लेकिन 473 अगर बिगिनर कैटेगरी में, भाई मेरे को कोई ऑर्केस्ट्रा बजाना बजाने का कोई मतलब नहीं है, मैं अच्छे से एक आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ, मैं गाकर खुद प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, तो आंख बंद करके 473 ले लीजिए। इसमें क्योंकि आपको वॉइस के लिए वोकल्स माइक मिल जाता है, एक्सटर्नल रिदम्स मिल जाता है, प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाता है, बाकी मज़े करने के लिए ग्रू ऑप्शंस मिल जाते हैं, बजट में भी आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके दो ऑप्शनों के बीच में मैंने, दो कीबोर्डों के बीच में आपको मैंने बता दिया राय कि कौन किसकी तरफ आप जाना चाहते हैं, आप निर्णय ले लीजिए, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं, हमारे और भी कई सारे चैनल्स हैं, और एक चीज़ याद रखिएगा, जे डेली रिदम्स, इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये भारत का मात्र एक ऐसा चैनल जहां पर आपको फ्री में म्यूजिक सिखाया जाएगा। आने वाले दिनों में कीबोर्ड्स, फ्लूट्स, तानपुरा, हारमोनियम, ढोलक, तबिल, छोटे छोटे 5-5, 6-6, 10-10 मिनट के क्लासेस होंगे,
हम पे करेंगे टीचर्स को और आपको फ्री में सिखाएंगे, ठीक है? तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हालांकि अभी बिल्कुल नया चैनल अभी भी लॉन्च हुआ है जस्ट एक महीने पहले, तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको छोटे छोटे वीडियो आपको बनाएंगे, बहुत इजीली सिखाएंगे, और आप कोई भी सवाल पूछ, साथ साथ हमारे फेयरलेस इंडिया है, पिंक इंडिया है, ओ माय गॉड है, और बीज इंडिया को तो मुस्कुराते हुए सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही बहुत ज़्यादा काम की चैनल है ये, ठीक है? ऑफ़र मिलता है, कई सारे ऑफर्स मिलते रहते हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं, अपना बहुत ख्याल रखिए, सेफ रहिए, सिक्योर रहिए, गॉड ब्लेस एंड बाय बाय एंड थैंक यू।